गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। वैसे गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रही है अभी, पता नहीं 3:30 बज गया है शायद, लेकिन हमारी गुड मॉर्निंग अभी हो रही है। तो यहाँ पे इतनी तेज हवा है जहाँ ये बच्चे आए हैं दोनों, और इस खरगोश को देखो कैसे उछलता है ये। यहाँ भी लड़ना है उसको, तेज हवा की वजह से पता नहीं, शायद हो सकता है आवाज कम आ रही हो। लेकिन हाँ, आप लोगों को बता दूं कि दोनों बच्चे आए हैं अपनी ट्रिप पे एक नई जगह। जगह का नाम हम आपको बाद में बताएंगे, उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। पानी से इतना डरता था ये शमशेरा, लेकिन आज मैं पहली बार इसको देख रही हूँ कि ये खुद से पानी में जा रहा है। नई चीज, अरे वाह भाई, मतलब ये पहली बार हो रहा है कि ये पानी में खुद से जा रहा है, वरना मैं इसको खींच के ले जाती हूँ हर जगह जहाँ भी जाती हूँ। क्या बात है। और उस शैतान को देखो, उसका अलग ही चालू है कुछ तो। इतनी प्यारी लोकेशन है, सामने रिवर, ऊपर पुल है इतना अच्छा, और ये इधर रिजॉर्ट, और ये देखो इनके घूमने के लिए यहाँ पे खुली हवाएं, खुली जगह, इतनी अच्छी, इनको मज़ा आ रहा है भाई। शमशेरा आ जाओ, चलो इधर जाते हैं, भागो, आ जाओ। ए सम्राट इधर आ बेटा, कितने मज़े आ रहे हैं दोनों को। यहाँ पहुँचने में लेट हो गया था, तो आज दोनों को खाना देने में भी लेट हो गया है। और ये देखो भाई साहब, अकेले खाए जा रहा है, अकेले। शमशेरा आके खाना खा ले बेटा, तेरे को क्या अलग से वो करना पड़ेगा, क्या इनविटेशन देना पड़ेगा खाना खाने आ जाए बोल के? वो सब खा लेगा वो। चल बाहर, अभी थोड़ी देर में जाएंगे, इसका खाने का मन ही नहीं है भाई, इसको बस बाहर जाना है, इसको खाना वाना कुछ नहीं चाहिए, बाहर चलो बस। इन दोनों को देखो, रुक भी नहीं रहे, पीछे भी नहीं देख रहे हैं कि पीछे मुड़ के देख ले, भागे जा रहे। कहाँ पहुंचना है भाई तुम लोगों को? पानी से डरने वाला लड़का पानी में घूम रहे हैं भाई, कहाँ जा रहा है समझेरू? चल जाओ पानी में घूमो। उसको किसी से डर नहीं लगता भाई, ना इंसानों से, ना जानवरों से, ना पानी से, ना किसी से। ले सुसु कर रहा है आराम ज्यादा पानी में। देखो भाई मजे में है लड़का मेरा, बिल्कुल है ना, अब पानी से डर भी नहीं रहा। आ जा समझेरा इधर आ बेटा, जल्दी आ, कम चलो आओ भाई। सुनते भी नहीं है ये बदतमीज लड़के मेरी, उसको देखो उसको पानी बह गया होता ही, उसको कोई डर नहीं लग रहा है, लेकिन शमशेरा को डर लग रहा है पानी से। वो जो पानी में पैर रखता है तो बस इतनी जल्दी पानी से भागने की कोशिश करता है। तो किसकी फट रही थी पानी में, और अब देखो इसको कितना मजा आ रहा है, हट ही नहीं रहा है पानी से। और उधर पड़ा हुआ है पूरा कीचड़, कीचड़ में भी उसको ईंट पत्थर ढूंढ के उनसे खेलना है, वो नहीं भूलेगा उनसे खेलना, कितना भी बड़ा हो जाए और कहीं भी चला जाए। लेकिन जगह इतनी जबरदस्त है भाई, मतलब देखो नीचे इतनी नदी बड़ी, और ये इधर मैंने सोचा कि नीचे नहीं जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज पानी है, डर लग रहा है छोटे छोटे बच्चे, और ऊपर से पानी आ रहा है पूरा, तो यहाँ पे इनके खेलने के लिए इतना बहुत है। ये देखो शमशेरा, सम्राट आ जाए इधर बेटा, सम्राटी कम आओ इधर आओ। इतनी सुंदर जगह है, इतनी सुंदर जगह, मतलब इतनी शाम हो रही है, अभी शाम के 5 बज रहे हैं, और इतना अच्छा लग रहा है भाई यहाँ पे। एक तो पानी की कलकलाहट, और इतनी तेज हवा चल रही है, और दोनों बच्चे मस्ती कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मुझे और चाहिए ही क्या। बस मैं हमेशा ऐसी ही जगहों को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, ऐसी जगहों को घूमना चाहती हूँ जहाँ बस मेरे बच्चे मस्ती कर सके, मतलब मुझे अच्छा लगे ना लगे मुझे चाहिए ही नहीं, लेकिन मेरे बच्चे खुश रहे। देखो कितने खुश हैं भाई, कितने। शमशेरा आओ इधर आओ, नीचे पानी में आओ, जल्दी आओ सम्राट, जल्दी आ जाओ बेटा। ये देखो अभी तक ही पानी से कितना डर रहे थे, और अब पानी से घुसने का नाम नहीं ले रहे दोनों के दोनों। वहाँ पे ना एक बहुत ही पुरानी चीज देखने को मिली, मतलब हम तो होते भी नहीं थे, मतलब हमारे मम्मी पापा लोगों के टाइम पे ये होता था, इसको घट बोलते हैं, और ये पानी से चलता है, इसमें आटा पिसता है, गेहूँ और बहुत सारी चीजें, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये अभी चल रहा है, इसमें ऊपर ये गेहूँ, ये मक्का है अभी इसमें, और ये मक्के का आटा बन रहा है, ये पूरा ऊपर मक्का भर दिया है, नीचे एक एक करके मक्का गिर रहा है, मक्का एक एक करके गिरता है, और पिस के इतना, जो हम लोग मक्के के आटे की रोटियां खाते हैं, देखो
ये आटा निकल के आ रहा है यहाँ पे। ये बहुत पुराने टाइम की चीजें होती थी और जहाँ हम आए वहां हमें देखने को मिली। उन्हों को देखो, ये भी घट देखने आए कि मम्मा क्या देख रही है, हम भी देख ले। चलने का प्रोसीजर इतना लंबा है, मैं अच्छे से तो नहीं समझा पाऊंगी, बट मोटा मोटा समझाती हूँ। वो जो सामने दिख रहा है वहां से आता है पानी, पूरे फोर्स के साथ पानी आता है और ये पूरा यहाँ पे कुछ तो इसके अंदर सिस्टम बना हुआ है, मुझे ऊपर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और वो जो पानी आता है तब जाके अंदर मशीन चलती है, इसलिए उसको पनघट बोलते हैं, मतलब वो पानी से चलती है तो पनघट बोलते हैं। इसको इतना मजा आ रहा है कीचड़ में, सम्राट को अभी ये खसक खोद के गया है कीचड़ और यहाँ से भाग गया उधर। कीचड़ में खेलने में उसको जो मजा आ रहा है ना, और कहीं नहीं है। इसको देखो चिच्ची, और इन्होंने मेरे जो हाल करे है ना, मेरे तो आप देख भी नहीं पाओगे कि क्या बना दिया इन लोगों ने मेरे को। करो करो मजे, खूब फुल मस्ती, धमाल हो रहा है, धमाल दोनों का। ये देखो क्यों चिल्ला रहा है सम्राट, है एस, और इनको मिलने आया है, इनको एक नया खिलौना मिल गया दोनों को खेलने के लिए। और सम्राट इतना बदतमीज है भाई, उसके पीछे भाग रहा है, उससे लड़ रहा है। ये तो लिहाज ही करता है सबका, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन वो नहीं करता भाई, वो बदतमीज लड़का है मेरा, वो गया उसके पीछे। कोशिश हो रही है दोस्ती होने की, देखो कौन बनाता है पहले दोस्त, सम्राट बनाता है एस को दोस्त या फिर शमशेरा। वो चला गया इसके नीचे, अभी डर रहा है क्योंकि ये दो है ना, दो लोगों की फौज बना रखी है इन लोगों ने, और वो अकेला है। हाथ देता है कि आजा खेलते हैं, लेकिन उसको भी लग रहा है कि ये शायद मुझे मारने के लिए हाथ ये देख। दोनों की दोस्ती, अब निकले बाहर, अब खेल रहे, ये अभी भी डर रहा है। हेलो एस, हेलो। ये है ना, ये बदमाश का बच्चा, उसको खेलने नहीं दे रहा है। ये देखो सम्राट, मैं तेरा ना मुंह तोड़ दूंगी, देख रहा, ज्यादा बदमाशी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी, ठीक है ना। शमशेरा तो अच्छा बच्चा है, ये साला डाकू हो गया है, डाल दिया पूल में। वो तो निकल के आ गया भाई बाहर, और ये फंस गया इसके अंदर। मैंने बॉल दे दी थी, वो टॉय दे दिया था, चलो शमशेरा ले जंप, चले जाओ। ये देखो ट्रीट देती हूँ तो कैसे कूद के जाते हैं दोनों। लो जब से आए हैं तब से बस भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, और अब दोनों को भूख लग गई है खेलते खेलते। खाना भी जरूरी है भाई, दोबारा से एनर्जी रिस्टोर करनी होती है, तो देखो खाना शुरू। और अभी खाने का कोई टाइम है नहीं, अभी फिर बाहर जाने वाले हैं खेलने के लिए। हाँ, इतनी ज़्यादा ठंड है भाई कि पूछो मत। इन दोनों को मैं कब से अंदर दो तीन बार भेज के आ चुकी हूँ, मतलब यहीं पे रूम में बैठा के आ चुकी हूँ, इनको बैठना ही नहीं, अंदर से चिल्लाना शुरू कर देते कि हमें भी बाहर बैठना है। मैं यहाँ पे बाहर बैठी हूँ, मैंने सोचा थोड़ी देर, यार इतना अच्छा मौसम है, और यहाँ पे ना बगल में कुछ और लोग आए हैं तो उनके साथ यहाँ पे बाहर बैठ के मस्ती कर रहे थे हम लोग, लेकिन इनको अंदर बैठना ही नहीं है, ठंड में आके बाहर बैठे हैं। बोल रही हूँ कि अंदर चले जाओ, ऐसे मतलब कान खड़े करके सुनते हैं और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, और अंदर रखती हूँ, बिठा के आती हूँ तो अंदर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये देखो उसको, देखो उसको अलग, और पूरा दिन भाई मतलब 3-4 घंटे पानी में भीगे हैं दोनों के दोनों, भीग के गीले हो रहे। सुखाने की कोशिश कर दी है जितना सुखा सकती थी, लेकिन बैठना इनको बाहर ही है। नहीं मम्मा, जहाँ आप बैठोगी हम वहीं बैठेंगे, कुछ भी कर लो। ए शमशेरू, एक स्ट्रे डॉग आ गया है, और अभी रात के 9:30। ये देखो, पहले मैं डर गई थी भाई, इतनी जंगल में कहीं कोई बाघ वाघ ना आ गया हो, लेकिन वो स्ट्रे डॉग है और ये दोनों पागल हो गए उसके लिए। वहाँ पे ऊपर बैठा हुआ है एक डॉग, मेरा शमशेरा ध्यान से बस उसको देखे जा रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है। अभी तो वो बैठ गया है, वरना वो कभी इधर के कोने में आता है, फिर यहाँ से उधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर उधर जाता है, और शमशेरा उसको ध्यान से निहार रहा है। और एक ये महाशय यहाँ बैठे हुए हैं, इसका ध्यान उस पे नहीं है और ना ही इस पे है, उसका ध्यान है मेरे खाने पे, क्योंकि यहाँ पे मैं खा रही हूँ चिकन। तो इसको है कि मैं भोली सी सूरत बना लूं और मम्मा से चिकन पालूं। अभी सिर्फ 10 बज रहे हैं, 10:07 हो रहे हैं रात के, और लेकिन आज हम जल्दी गुड नाइट कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से ट्रैवल करके थक गए थे, और इन दोनों ने इतना एंजॉय किया, ये भी थक गए, तो मैं सोच रही हूँ
घर में तो हम लोग मोस्टली, मेरा क्या रहता है कि वीडियो एडिट करके व्लॉग बना के मैं लेट ही सोती हूँ, लेकिन आज हम लोग टाइम पे सोना चाह रहे हैं तो 10 बजे रहे हैं अभी और सो जाते। ये देखो ये गया भाई, जे ना मानेगा लड़का, ए आजा गिरेगा नीचे, पानी बह रहा है। तो इन दोनों को मैंने सोचा कि चलो सिस्सू करा देती हूँ। शमशेरा ने कर ली, सम्राट ने भी कर ली है, और इस व्लॉग को कर रहे हैं हम लोग यहीं पे एंड। जल्दी से मिलेंगे हमारे अगले व्लॉग में। आ जाओ बेटा कम समझेरो। गाइस प्लीज़ हमारी वीडियोस को आप लोग जितना हो सके शेयर करो प्लीज़। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़, समझेरा बाहर नहीं जाना। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ना ऐसे थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, तो इनको भी देखना पड़ रहा है, मुझे व्लॉग भी बनाना पड़ रहा है, और खुद मैं गिर ना जाऊँ उसका भी ध्यान रखना पड़ रहा है। इसलिए ना मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही है मेरी आवाज़, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पानी, यहाँ पानी, मतलब कहीं भी जाओ चलते जाओ ना पानी पानी, और ये पत्थर, डर लग रहा है। और मुझे, मेरा नहीं, मैं तो चलो गिर भी जाऊँगी तो इस पानी में बहूँगी नहीं, लेकिन मुझे इन बच्चों का डर लग रहा है, क्योंकि वो छुटंका अगर इस तेज पानी में गिर भी गया ना बह जाएगा, तो मुझे थोड़ा सा उसका डर लग रहा है। नोना हो गया बेटा, ये उखाड़ना नहीं है बेटा, ये भी उखाड़ लेगा। तो चलो आज हम इस व्लॉग को कर रहे हैं यहीं पे एंड, जल्दी से मिलेंगे हमारे अगले व्लॉग में। तब तक प्लीज़ आप हमें ऐसे ही प्यार देते हैं ना गाइज, थैंक यू सो मच। मानना पड़ेगा इन दोनों को, आज पूरे दिन पानी में भीगे हैं ये दोनों, आप लोगों ने देखा ही हो, मतलब इससे अगर पहले से आप वीडियो मेरी देख रहे हो तो पूरा दिन हम यहाँ पे 2:30 बजे के आसपास पहुँच गए थे, और ये 3:30 बजे से मतलब पानी में दोनों के दोनों भीग रहे थे। पानी में भीगने के बाद मैंने कोशिश करी थी इनको सुखाने की, सूख भी गए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा टेंशन है, क्योंकि हुआ क्या था आज, मैं ना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इनका बेड लेके नहीं आई हूँ, तो ये यहाँ पे जो इन्होंने मुझे कर्टन्स वगैरह दिए हैं उसी में ये सो रहे हैं दोनों। और ये सम्राट तो अब जाके उसकी तरफ सर रख के सोया है, अभी तक ये अलग से सो रहा था अपना, और इतना थक गए हैं भाई दोनों के दोनों, इतना थक गए हैं पूछो मत, मतलब मैं भूल रही हूँ यहाँ से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि मम्मा की आवाज़ आ रही है या वो बोल रही हैं या वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, कुछ भी मतलब नहीं, पड़े हुए दोनों अपना अच्छे से। लेकिन खुशी होती है, दोनों बच्चे मेरे आज ना बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं बहुत टाइम बाद, और ये सब देख के मुझे भी खुशी हो रही है। हाँ चलो सो गए हैं दोनों प्यार से, ऐसे साथ में सोते ना मुझे खुशी होती है, अलग अलग सोते तो फिर मुझे लगता है पता नहीं क्या वॉर शुरू हो गया इन दोनों के बीच में। अभी तो प्यार से सो रहे हैं वापस से, अभी तक सम्राट अलग सो रहा था, अब जाके वो शमशेरा के बिल्कुल पास जाके सो गए ना, अब मेरे को समझ आ गया हाँ सब ठीक है नॉर्मल है।